नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी के बारे में। 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में, जिसमें 9 जजेस की संविधान पीठ थी, अपने जजमेंट में सर्वसम्मति से ये कहा कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न एक मूल अधिकार है। जरा इसको समझने का थोड़ा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 21, इसको पहले अंग्रेजी में देखते हैं फिर हिंदी में देखते हैं। 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप ये भी जानते हैं कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अवश्य होती है। तो राइट टू लाइफ पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, अर्थात राज्य जीवन पर अंकुश लगा सकता है लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसके बाद ही लगा सकता है। तो जरा ये देखते हैं क्या है। तो 21 का जो शीर्षक है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसमें ये कहा गया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसे यदि हिंदी में कहें तो किसी भी व्यक्ति को तब तक उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूरी न कर ली जाए। तो अब राइट टू प्राइवेसी 21 से निकल रहा है, डेरिवेशन वहां से हो रहा है। अब निजता को मूल अधिकार कह दिया, और इसके पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लाइफ को भी डिफाइन किया है और ये बताया है कि लाइफ का मतलब होता है डिग्निफाइड लाइफ, यानी जीवन का अर्थ है गरिमापूर्ण जीवन। तो गरिमापूर्ण जीवन के लिए यू नीड ए सर्टेन लेवल ऑफ प्राइवेसी। एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए आपको कुछ तो आपको निजता चाहिए, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने निजता को भी मूल अधिकार कह दिया और उसको 21 के साथ जोड़ा, जीवन के साथ, यानी अब निजता जीवन के बराबर है। तो जो जीवन के लिए लागू होगा अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तो निजता के साथ भी वही बात लागू होगी। RTI में अगर कोई सूचना मांगी जाती है जो निजी प्रकार की सूचना है, निजी प्रकार की सूचनाएं दो प्रकार की होती है। पहली वो जिनका सरकारी सेवक या लोक सेवक की लोक क्रिया से कोई संबंध नहीं है, उसको तो मना ही किया जाना है सेक्शन 81J में। लेकिन कुछ ऐसी निजी प्रकार की सूचनाएं होती हैं जिनका सरकारी सेवक या लोक सेवक की लोक क्रिया से संबंध होता है, तो उनके संबंध में यदि यह निर्णय लिया जाता है कि उनकी सूचनाएं प्रकट की जानी है तो पहले विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूरी होगी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही किसी की निजता को भंग किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। अधिनियम में यह प्रक्रिया धारा 11 में दी गई है, जिसको हम थर्ड पार्टी प्रोसेस या पर व्यक्ति प्रक्रिया कहते हैं। किसी अन्य वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात समझ लेते हैं कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। गोपनीय सूचना और निजी सूचना में अंतर है, इसको हमें समझना होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन मीन्स रिलेटेड टू ए पर्सन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्सन, स्पेलिंग से ही आप समझ सकते हैं, प्राइवेट, पर्सन, प्राइवेसी, ये सब रिलेटेड चीजें हैं। निजता या व्यक्तिगत, अब जरा व्यक्तिगत को अलग करके देख लीजिए, व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत सूचना वो होगी जो व्यक्ति से जुड़ी हुई होगी। इसका अर्थ हुआ कि जो सरकारी सूचनाएं हैं वो व्यक्तिगत नहीं होती, वो पर्सनल नहीं होती। पर्सनल वही होंगी जो पर्सन से रिलेटेड होंगी। तो जो सरकारी कामकाज की सूचना है वो गोपनीय तो हो सकती है
लेकिन पर्सनल या निजी नहीं हो सकती। अब आरटीआई में ये प्रक्रिया क्या होती है ये किसी अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट कैप्सूल है, यहाँ बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। तो आज इतना ही। यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।